press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप प्रकाश और आप देख रहे हैं क्रिकेट फिल्टर। आज मैं बात करूंगा दो मैच के बारे में। पहले बात करूंगा कोलकाता और हैदराबाद के बारे में, उसके बाद बात करूंगा मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच हुए मैच के बारे में। कोलकाता के कैप्टन दिनेश कार्तिक ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग करने आए वार्नर और बेरिस्टो दोनों ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। एक साल के बैन के बाद वापस आए वार्नर ने आईपीएल का शानदार आगाज किया। आज उन्होंने 50 भी मारा। वहीं बेरिस्टो ने भी अच्छी पारी खेली, पर जब दोनों आउट हुए तो हैदराबाद की पारी थोड़ी स्लो हो गई थी। पर विजय शंकर के शानदार पारी के बदौलत टीम 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 181 रन बनाई। आज विजय शंकर ने तेज तरार पारी खेला, उन्हीं के पारी के बदौलत टीम 180 रन तक पहुंच पाई। आज के मैच में यूसुफ पठान कुछ खास नहीं कर पाए। हैदराबाद का स्कोर कार्ड इस प्रकार है, वार्नर 85 रन, बेरिस्टो 39 रन, विजय शंकर 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे, यूसुफ पठान 1 रन, मनीष पांडे 8 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अगर कोलकाता की बॉलिंग की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर में 31 रन देकर उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। पीयूष चावला 3 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिए। लुकी फर्ग्यूसन ने 4 ओवर में 34 रन दिए, उन्हें भी कोई विकेट नहीं मिला। नारायण ने 3 ओवर में 29 रन दिए। कुलदीप यादव ने 2 ओवर में 18 रन दिए। रसेल ने 3 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए। नीतीश राणा ने 1 ओवर में 9 रन दिए। आज कोलकाता का बॉलिंग ठीक ठाक रहा। जब हैदराबाद का पारी खत्म हुआ तो ऐसा लगा कि शायद यह मैच रोमांचक हो, और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि जब कोलकाता ने पारी की शुरुआत की तो लीन सस्ते में आउट हो गए। पर लीन के साथ ओपनिंग करने आए नीतीश राणा ने उथप्पा के साथ पारी को संभाला। पर जब उथप्पा के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक भी आउट हो गए तो ऐसा लगने लगा कि शायद यह मैच कोलकाता हार न जाए। और उसके बाद नीतीश राणा भी 50 मारने के बाद आउट हो गए। सभी को लगा शायद अब कोलकाता मैच हार जाएगा, पर रोमांच अभी बाकी था। आज रसेल ने फिर धमाका किया। रसेल ने शुभमन गिल के साथ मिलकर हैदराबाद के जबड़े से मैच छीन लिया। आज कोलकाता ने शानदार बैटिंग की। युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी अच्छी बैटिंग की। अगर कोलकाता के स्कोर कार्ड को देखें तो क्रिस लिन 7 रन, नीतीश राणा 68 रन, उथप्पा 35 रन, दिनेश कार्तिक 2 रन, रसेल 49 रन बनाकर नॉट आउट रहे, शुभमन गिल 18 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अगर हैदराबाद के बॉलिंग की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 37 रन दिए, उन्हें विकेट नहीं मिला। शकीबुल हसन ने 3 ओवर 4 बॉल में 42 रन देकर 1 विकेट लिए। संदीप शर्मा ने 4 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट। सिद्धार्थ कौल ने 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट। राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट लिए। आज का मैच बहुत ही रोमांचक रहा, दोनों ही टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला। अब मैं बात करूंगा दूसरे मैच के बारे में, जो कि मुंबई और दिल्ली के बीच हुआ। आज पहले बैटिंग दिल्ली ने किया, पर दिल्ली कैपिटल्स का शुरुआत खराब रहा। पृथ्वी शॉ सस्ते में आउट हो गए, लेकिन धवन ने इनग्राम के साथ मिलकर पारी को संभाला। आज धवन और इनग्राम ने अच्छी पारी खेली, दोनों मिलकर पारी को 113 तक ले गए। पर जब इनग्राम आउट हुए तो उसके बाद बैटिंग करने आए ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत ने जो धमाका किया उसके क्या कहने। पंत की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। पंत ने आज मुंबई के सारे बॉलरों की क्लास लगा दी। पंत के धमाकेदार पारी के बदौलत दिल्ली ने विशाल स्कोर खड़ा किया। दिल्ली ने 20 ओवरों में 213 रन बना दिए। आज दिल्ली के बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग की। दिल्ली का स्कोर कार्ड इस प्रकार है, पृथ्वी शॉ 7 रन, धवन 43 रन, अय्यर 16 रन, इनग्राम 47 रन, पंत 78 रन बनाकर नॉट आउट रहे, कीमो पॉल 3 रन, अक्षर पटेल 4 रन, राहुल तबतिया ने 9 रन बनाए और नॉट आउट रहे। अगर मुंबई के बॉलर्स की बात करें तो राशिक सलाम ने 4 ओवर में 42 रन देकर 0 विकेट लिए। मैकलेगन ने 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट। बुमराह ने 4 ओवर में 40 रन देकर 1 विकेट। हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 41 रन देकर 1 विकेट। करुणाल पांड्या ने 2 ओवर में 21 रन देकर 0 विकेट। कटिंग ने 2 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिया। इस मैच में मुंबई के बॉलर्स ने बहुत ही खराब बॉलिंग की, और बॉलिंग खराब भी क्यों ना हो जब आपके सामने ऋषभ पंत जैसे बैट्समैन हो। जब मुंबई बैटिंग करने उतरा तो उसका शुरुआत भी खराब रहा। रोहित शर्मा आज अच्छा नहीं कर पाए, रोहित शर्मा सस्ते में आउट हो गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी रन आउट हो गए, पर आज युवराज ने अच्छा पारी खेला, उन्होंने 50 लगाया। पर युवराज के अलावा कोई भी अच्छा नहीं खेला। मुंबई ने आज बहुत ही खराब बैटिंग की, हार्दिक पांड्या भी 0 पर आउट हो गए। खराब बैटिंग करते हुए मुंबई ने 4 गेंद शेष रहते ही दिल्ली को जीत दे दिया।
मुंबई का स्कोर कार्ड इस प्रकार है, रोहित शर्मा 14 रन, डिकॉक 27 रन, सूर्य कुमार यादव 2 रन, युवराज सिंह 53 रन, पोलार्ड 21 रन, हार्दिक पांड्या 0 रन, करुणाल पांड्या 32 रन, बेन कटिंग 3 रन, मैकलेगन 10 रन, राशिक सलाम 5 रन और आज बुमराह बैटिंग करने नहीं आए। अगर दिल्ली की बॉलिंग की बात करें तो बोल्ट ने 4 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट, ईशांत शर्मा ने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट, रबाडा ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट, तबेटिया ने 1 ओवर 2 बॉल में 12 रन देकर 1 विकेट, कीमो पॉल ने 3 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट, अक्षर पटेल थोड़े महंगे साबित हुए, उन्होंने 4 ओवर में 42 रन देकर 1 विकेट लिया। फिर भी दिल्ली ने शानदार गेंदबाजी की, ईशांत शर्मा ने आज अच्छी गेंदबाजी की, ईशांत शर्मा ने बहुत दिनों बाद 2020 में ऐसी गेंदबाजी की, आज दिल्ली ने शानदार क्रिकेट खेला। आशा करूंगा कि दोनों टीम आगे के मैचों में अच्छा करे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।